मुस्लिम का दो लोगों को जो संघ परिवार के कुछ आरएसएस गुंडे लोग बीफ गाय का मांस सेल कर रहे बोल के उन दोनों गरीब लोगों के दुकान में घुसकर उनको मार के और उनके पास एक का पास 17,500 रुपये छीन कर भाग जाते हैं और दूसरे के पास 3-4 हज़ार रुपये जो पैसे तीन छीन कर भाग जाते हैं मांस भेज रहे हैं तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करना था। वो ये जो मार खाया और इनका पैसा छीन लिया, छीन कर भाग गए कुछ गुंडे लोगों ने, आरएसएस के भड़वे मैंने बोला हमने संघ परिवार के भड़वे लोग ने, ये जो कर्नाटक सरकार में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये रुकना चाहिए। अभी मैं हनुमंत एलसंगी स्टेट परसेंट दलित सेना। हम अभी ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का आलम तालुका के जो निम्बरगा सर्कल प्लेस में हैं। हम अभी यहाँ हम ये दो माइनॉरिटीज का मुस्लिम का एक यासीन एंड नवाब दो नवाब चौधरी बोल के दो लोगों को यहाँ की जो इस गांव की जो संघ परिवार के कुछ आरएसएस गुंडे लोग वो लोग बीफ गाय का मांस सेल कर रहे बोल के उन दोनों गरीब लोगों के दुकान में घुसकर उनको मार के और उनके पास एक का पास 17,500 रुपये छीन कर भाग जाते हैं और दूसरे के पास 3-4 हज़ार रुपये जो पैसे तीन छीन कर भाग जाते हैं। ये लोग संघ परिवार के नाम बोल के गुंडागर्दी करके और लूटने में ये लोग अब जो लूटने के काम कर रहे हैं। और ये लोग जो यहाँ बगल में पुलिस स्टेशन है, अगर ये लोग गाय का जो मांस भेज रहे हैं तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करना था। तो पुलिस आप यहाँ ही पुलिस है बगल, ये एक किलोमीटर नहीं है, इधर ये बहुत सारे दो 300 मीटर दूर है। तो इनको मार कर वो लोग भाग जाता, वो 100 मोटर केस यहाँ की PSI निम्बरगा 100 मोटर केस बोलता है कि भाई आप इनको ला कर FIR नहीं होता, केस रजिस्टर नहीं है। और तुरंत इनको आके जो मार खा था एक बहुत घबरा गए और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो, और दूसरा भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनको दोनों को बहुत सारे बच्चे लोग 8-10 बच्चे बहुत मारते हैं, उनको मार कर भाग जाते हैं। इनको हॉस्पिटल एडमिट करके इलाज देना या उनको जाके लॉकअप में बैठा कर, एक तो काम थर 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 काम रहे हो, हर्ट पेशेंट दिखता हो वो इतना तकलीफ में है। ये ह्यूमैनिटी भी नहीं है आप निम्बरक पुलिस को। हाँ 100 मोटर केस हम फाइल FIR कर रहे बोलता है इधर, तो इसको कौन मारा, उनको ऊपर केस करना है उनको। हमने बोले कि भाई देखो ये जो हमारे लोग जो है ये गरीब लोग है, ये इनका धंधा, ये गुलबर्गा से नहीं तो आलन से मटन लेकर आते हैं लोग, बकरे का मटन लेकर आता और चिकन लेकर आते हैं लोग और एग लेकर आके यहाँ। आज के दिन हफ्ते एक कौन सा वार है, बुधवार, वेडनेसडे, हर बुधवार यहाँ निम्बरगा में संति होता है, इधर बाजार चलता है इधर। वो तो बाजार के लिए वो आता है तो उनको तुम ब्लैकमेल करके पैर लेते, वो तो देखना है ना पुलिस को, ये नहीं किया। और उनको ऊपर काउ स्लॉटर एक्ट में एंड 4 एंड 12 मुझे लगता है 4 एंड 12 सेक्शन में अभी केस एफ आई आर हो गया। हमने बोले देखो ये जो मार खाया और इनका पैसा छीन लिया, छीन कर भाग गए कुछ गुंडे लोगों ने, आरएसएस के भड़वे मैंने बोला हमने संघ परिवार के भड़वे लोग ने, गुंडागर्दी नहीं चलता, मैं यही कहूँ, यहीं का यही मेरा ये है प्लेस है। ये लोग सोचते हैं कि एलसंगी वहाँ बैठते वहाँ, नहीं नहीं, इन लोगों के बाप हूँ मैं। गरीब लोगों का अगर तकलीफ देना है तो साले तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे हम। फिर यहाँ के आलंद के DYSP आइए और बहुत सारे PSI लोग भी आइए और DSP हमें अश्योरेंस दिया कि नहीं सर उन लोगों को जो आपने कंप्लेंट लिया वो FIR हम कर रहे हैं बोल के, उन लोगों को पूरा FIR हो रहा है। ये जो कर्नाटक सरकार में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये रुकना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये जो प्रोग्रेस हो रहा है आप जो संघ परिवार के, ये ठीक नहीं है, ये अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स यहाँ की कुछ गद्दार गुंडे लोग पुलिस स्टेशन में तो 30-40 लफंगे लौड़े लोग आते हैं उधर। हमने बोले PSI को आप समझाओ उनको, नहीं तो हमें समझाना पड़ता है, इतना बोल कर आए हैं। ये तो पूरा आलंद, ये लैंड ऑर्डर पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, लैंड ऑर्डर पूरा स्पॉइल्ड है और लैंड ऑर्डर में कोई जो गुंडा राज यहाँ चल रहा है अभी। हाँ संघ परिवार की हिंदुत्व के नाम से जो यहाँ की जो मुसलमानों के ऊपर कोई भी उंगली उठाता ना तो साले हराम ज़्यादा को उंगली काट कर फेंक देते हैं। हम दलित सेना में इतना ताकत है, हम वो करने जा रहे हैं अभी।
समझ लो, जब जो भी है यहाँ की जो सत्ता में बैठे हो ना, आप समझ लो ठीक होता, नहीं तो तुम लोगों को नहीं, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे।